हे गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बनाने वाले हैं एग चना भुर्जी। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एग चना भुर्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो एग लिए हैं, साथ में हमने यहाँ पे एक कटोरी बॉयल चना लिया है जिसे हमने अच्छे तरीके से नमक डालकर बॉयल कर लिया था। और इसके बाद हम यहाँ पे एक चुटकी नमक डालेंगे एग में। और अब हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। तो हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे एक कटा हुआ प्याज जिसे हम यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एग को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे चने डालेंगे जिसे हमने यहाँ पे अच्छे से बॉईल करके रखा हुआ था। हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई रखना है ताकि ये जो चने हैं अच्छी तरीके से क्रिस्प हो जाएं। इसके बाद हम यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। यहाँ पर जब चने अच्छी तरीके से क्रिस्प हो जाएं तो अब हम यहाँ पे हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च हम यहाँ पे बाद में इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे इसकी धास ना लगे। तो अब हम यहाँ पे एग डालेंगे और यहाँ पे हम चम्मच से कुछ इस तरीके से इसे फैला देते हैं। तो देखेंगे फैलाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसे इसलिए फैलाया है, जब आप इसे पलटेंगे या फिर आप इस तरीके से भुर्जी बनाते हैं तो आपकी जो एग भुर्जी है वो बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगी और यहाँ पे जो एग है वो अच्छी तरीके से फूल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इसे हर साइड से निकाल ले रही हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे इसे पलट देते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसे पलटेंगे। जैसे कि हम भुर्जी बना रहे हैं तो ये टूटे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसे पलट देते हैं। तो अब हमने यहाँ पे इसे पलट दिया है और अब हमें यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है जैसे हम भुर्जी बनाते हैं। अब हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे। हमारी यहाँ पे एग चना भुर्जी बनके एकदम तैयार हो गई है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाले और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम आपके लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपीज़ लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।